हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आशीष नामदेव और ट्रेवल्स लाइव आशीष ब्लॉग चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं नंदनवन और आज का ब्लॉग इसी के ऊपर रहेगा दोस्तों। और ये रायपुर जिला से लगा हुआ है, अटारी के पास में है ये नंदनवन। तो चलिए फिर दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको आज नंदनवन और इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। और ये जो है पिकनिक स्पॉट भी है और यहाँ घूमने के लिए भी आया जा सकता है। और कई ऐसी बातें हैं दोस्तों जो मैं बीच बीच में बताते रहूँगा, तो देखते रहिए वीडियो को और फिर हम लोग चलते हैं। अब नंदनवन में अंदर जाने के लिए यहाँ से आपको जो है टिकट लेना होगा और सभी वर्ग के लिए जो है दोस्तों अलग अलग टिकट निर्धारित है। और जितने भी जानकारियाँ हैं नंदनवन का, ये सामने में लिख दिया गया है। नंदनवन खुलने का समय और बंद होने का समय, ये सारी जानकारी लिखी हुई है। और टिकट जो है मिल चुकी है। और ये जो सामने गेट दिख रहा है, ये आपका एंट्री गेट है, यहीं से एंट्री लेना होगा। तो अब टाइम है दोस्तों अंदर जाने का। तो दोस्तों, हम लोग जो है अभी अंदर आ चुके हैं नंदन वन के और मैं अभी चलता हूँ अंदर। जो देख रहे हैं सामने छोटे छोटे जो बच्चे जा रहे हैं और मेन गेट उससे अंदर भी है, तो चलते हैं हम लोग अभी। वैसे तो दोस्तों हम लोग नंदन वन के अंदर आ चुके हैं, लेकिन जो सामने गेट दिख रहा है उसके बाद से ही नंदन वन चालू होता है। ये जो सामने का एरिया जो दिख रहा है, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ आप कुछ ले के खा सकते हैं, यहाँ ला के खा सकते हैं, अंदर ले जाने के अलाउड नहीं है। और रेस्टोरेंट भी सामने में यहाँ पर उपलब्ध है। लोग ऐसे कहीं जाओगे भूल जाओगे जब माँ बाप का नाम याद नहीं है। सो दोस्तों, नंदनवन में थोड़ा से आगे आने पर यहाँ पर मिलता है नौका विहार, ये जो लिखा है सामने में। और आप यहाँ नौका विहार का मज़ा ले सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो है अभी बहुत सारे रखे हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो है ये कुछ नया देखने को मिला है। पहले भी आया था मैं नंदनवन, लेकिन यहाँ कुछ मतलब अभी अलग ही टाइप का देखने को मिला है। नया बना है और काफ़ी अच्छा बना है, पक्षियों के लिए बना है। दोस्तों, नंदनवन में जो है अभी कुछ नया रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ जो है सब पक्षियाँ जो है उसको खुला छोड़ दिए हैं ताकि उड़ते रहे और जो है पिंजरा में कैद ना हो पाए। देखिए काफ़ी स्पेस है यहाँ। और ये जो बाजू में बतख है एक, वो भी चल रही है। और सामने में पेंगुइन भी है अंदर में पानी में, वो भी चल रही है। तो मतलब अभी खुला छोड़ दिया, काफ़ी अच्छा है अभी जो।
किस पर काम हो गया गली शेर की आवाज सुन के सब कुछ फटा थे। तो दोस्तों ये जो जगह है ये जो है नंदनवन जू जो है उस साइड है और उसके अपोजिट में जो है ये जगह है। और दोस्तों इसको देख के लगेगा आपको ये लकड़ी का है लेकिन ये जो है सीमेंट का बना हुआ है, कठोर है, मजबूत है। हाथ धो के पर आ जा। तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये सामने में ये जो है ये साईं बाबा का मंदिर है और जो जितना भी अभी दृश्य दिखा वो सारा जो है ये साईं मंदिर का ही है जो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो दोस्तों नंदन जो है बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया घूम के। और नौका विहार भी है, अन्य प्रकार के जानवर भी है लेकिन उतना ज़्यादा जो है दोस्तों माहौल नहीं है, इंटरेस्टिंग अभी उतना नहीं है क्योंकि यहाँ के जितने जानवर हैं सब जो जंगल सफारी में जो नया रायपुर बना है वहाँ पर इसको रख दिया गया है और यहाँ से ले जाकर वहाँ रख दिया गया। तो उतना ज़्यादा जानवर नहीं है यहाँ पर। और दोस्तों मोबाइल का जो है बैटरी ख़त्म होने वाला है तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई ब्लॉग वीडियो के साथ। हम लोग अभी कहीं गए नहीं हैं दोस्तों, यहीं हैं। कहाँ चल रहे हैं? और दोस्तों जो हमारे चैनल में नया आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर ले। मैं ऐसा ही ब्लॉग वीडियो बनाते रहता हूँ और हम लोग मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग वीडियो में। ये भैया अभी कहीं गए नहीं, हम लोग यहीं हैं। अरे पीछे नौका विहार।